नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज देखना है ऑक्सिलरी व्यू का प्रॉब्लम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि एक साइड व्यू है और यहाँ पे फ्रंट व्यू है, तो इसका एग्जैक्ट ऑक्सिलरी व्यू कैसे आता है तो मैं आपको 3D वे करके बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको प्रॉब्लम आता है कि सर इसका 3D में व्यू कैसे दिखेगा, इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने क्या किया है, इसको फ्यूजन 360 में बनाया है और फिर इसमें 2D में कन्वर्ट किया है, तो वो देखते हैं वो कैसे दिखेगा वो व्यू। आप देख सकते हो, ये साइड व्यू है उसका, और ये मतलब ये साइड व्यू है और ये जो है आपका ये फ्रंट व्यू है ऑब्जेक्ट का। ऐसे आपको क्या किया है उन्होंने प्रॉब्लम में, दे वाला रहेगा, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, और इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो ऑक्सिलरी व्यू है, ये जो इंक्लाइनेड सरफेस है, इसका क्या करना पड़ता है, आपको ऑक्सिलरी व्यू निकालना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि उसको ऑक्सिलरी व्यू में देखे कैसे और निकाले कैसे। तो आप देख सकते हो इसका जो होम पोजीशन है कुछ इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ये नेम्ड व्यू पे और उसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या दिखेगा आपको, इसका ये ऑक्सिलरी व्यू दिखेगा। आप देखिए उसको, आपको क्या दिखने वाला है, ये जो सर्कल था ये सर्कल जो है आपको आपको फ्रंट व्यू में भी मतलब साइड व्यू में भी बराबर नहीं दिखता है, फ्रंट व्यू में आपको वो सर्कल डॉटेड में दिखता है। लेकिन उसका एग्जैक्ट जो पोर्शन है वो कैसे दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे वो ऐसे इलिप्स टाइप में दिखेगा, फिर यहाँ पे ऐसे ये पोर्शन दिखेगा और ये भी दिखेगा आपके साथ, और ये सर्कल का जो फ्रंट पार्ट है ये दिखेगा आपको, लेकिन बैक साइड वाला जो पार्ट है वो बैक साइड वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा आपको, वो डॉटेड में आएगा। तो डॉटेड में कैसे आएगा देखेंगे, विजुअल स्टाइल शेडेड विथ हिडन एजेस वायर फ्रेम में देखते हैं। ये जो वाला पोर्शन है ये क्या जाएगा आपका, डॉटेड जाएगा, और ये पीछे वाला भी पोर्शन क्या होगा आपका, डॉटेड में जाएगा। तो ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डिज़ाइन में जाना है, ड्राइंग में जाना है, फ्रॉम डिज़ाइन, फिर यहाँ पे जो आपका स्ट्रीट साइज़ रहेगा वो सिलेक्ट करो, उसको ओके बोल दो। ओके बोल देने के बाद यहाँ का आपका ड्राइंग शीट आ जाएगा। ड्राइंग शीट आने के बाद कोई भी एक व्यू आप पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये व्यू आया, तो फिर इसको ड्रैग करके आप क्या कर सकते हो, उसका ये व्यू ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे जाना है आपको क्रिएट में, क्रिएट में जाके ऑक्सिलरी व्यू बोलना है। ऑक्सिलरी व्यू बोलने के बाद ये जो इंक्लाइंड एज है उसको पकड़ो और क्या करो, नीचे उसको ड्रैग करो। नीचे ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी व्यू दिखाई देगा कि वो एग्जैक्ट कैसे दिखता है। ठीक है, ये ऐसे टोटल वीडियो था, बाकी इसका मैं आपको एक्चुअल ड्रॉ करके दिखाऊंगा ये कैसा है निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।